भस्मासुर के दरबार में असुरगण उसकी जय जयकार कर रहे हैं, पर नारद भागते हुए शिव के पास आकर भस्मासुर के अत्याचारों की कथा सुनाते हैं। क्रोधित शिव भस्मासुर को पुकारते हैं, वो प्रकट तो होता है किंतु पार्वती को वासनामय दृष्टि से देखता है, सुंदरी कहकर पुकारता है और अपनी साम्राज्ञी बनाने की कामना करता है। शिव का क्रोध भड़कता है तो वो उन्हें ही भस्म करने आगे बढ़ता है। शिव कैलाश छोड़कर भागते हैं। नारद वैकुंठ लोक में जाकर विष्णु से भस्मासुर का उपाय करने के लिए कहते हैं। भागते हुए शिव को पार्वती रोककर स्वयं भस्मासुर को भस्म करने की इच्छा प्रकट करती है। परम पिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या ये अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? यही हुआ, निश्चित रूप से यही अर्थ हुआ। और परमपिता, मुझे सूचित किए बिना ही इंद्र और सची श्रीहरि विष्णु को उनकी महानता का विश्वास दिलाने गए हैं। तो ये दोनों विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ माता, उन्होंने तो सभी देवगण के सामने कहा कि विष्णु जी की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मदेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? किससे कहूँ, तुमसे अथवा देव गुरु बृहस्पति से? विवाद की जड़ बृहस्पति ही लाए हैं, इन्हीं से कहें जो कहना है। सुनो बृहस्पति, तुम्हारे पिता में होने के नाते हम तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञान की बात बतलाते हैं। ये वर्तमान में तो तुम्हारा हित करेगी ही, भविष्य में भी तुम्हें लाभ पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम इस ज्ञान को गुणोगे, अर्थात उसे व्यवहार व आचरण में लाओगे। मात्र सुना और कहा हुआ ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाता, लाभ तो उसे जीवन में उतारने से ही होता है। आप आज्ञा करें परमपिता, मैं उसे अवश्य ही आत्मसात करूंगा। इस ज्ञान का प्रथम अंश यह है कि ज्ञानी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं, और जो तोड़ने का कार्य करते हैं वे ज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञानी होते हैं। और उस ज्ञान का शेष अंश? 100 ज्ञानी क्या सोच और कह रहे हैं, ज्ञानी कभी इस पर ध्यान नहीं देता, यदि देगा तो वो भी अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ज्ञानी केवल एक ज्ञानी के विचार पर विचार करता है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के हित में होगा। यहाँ आकर मुझे लाभ ही हुआ है परम, और भविष्य में भी तुम्हें लाभ ही होगा। जाने से पूर्व एक सत्य और सुनते जाओ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से ही हम दोनों प्रकट हुए थे। हम दोनों में तुच्छ और महान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब तुम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो। स्वामी, विवाद आपने उठाया ही नहीं तो समाप्त आप कैसे करवा सकते हैं? जिन्होंने इस विवाद को प्रश्रय दिया है उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आपके विरुद्ध होने वाले प्रचार को मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आपने इस विषय में कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं ही सक्रिय हो जाऊंगी। देवी, हमने जो गुरु ज्ञान अभी अभी देव गुरु बृहस्पति को दिया है उसकी आवश्यकता तुम्हें भी है, अधिक क्या कहें। यदि तुम नहीं मानोगी तो देवगण में विवाद और चिंता बढ़ जाएगी। एक चिंता मिटती नहीं और दूसरी जन्म ले लेती है। हम देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वर्तमान चिंता तो अकारण ही उत्पन्न हुई है। अकारण ही देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दो विभिन्न दलों में विभक्त हो गए हैं। देवगुरु ब्रह्मा जी को महान बता रहे हैं और देवराज श्री हरि विष्णु को। ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद के बढ़ने से अहित तो हम देवताओं का ही होगा। एक हमारे अधिपति हैं और दूसरे गुरु। इस समय तो विचारणी और चिंताजनक ये है कि यदि असुरों को ये ज्ञान हो गया कि देवगण दो दलों में बट गए हैं तो वे इस स्थिति का अवश्य लाभ उठाएंगे। इस विवाद की विडंबना है कि दोनों ही ये समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जबकि हम इस विवाद में किसी के भी पक्षधर नहीं हैं। हमारे लिए तो दोनों ही समान हैं। फिर भी इस विवाद का शीघ्र ही अंत होना चाहिए और इस कार्य में देवऋषि नारद ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नारायण, नारायण।
अरे अरे अरे, मुख मुद्रा से तो आप सभी देवगण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो उसका कारण भी अवश्य होगा, और फिर नारद से चिंता का कारण छिपाने का कोई कारण नहीं। बताओ आपसे क्या छिपाना देव ऋषि, आपको तो सब कुछ बताकर हम चिंता से मुक्त होते हैं। देव ऋषि, देवगण दो दलों में बंट गए। नारायण नारायण, जब दुर्गति होने वाली होती है तो फिर ये बटना छटना कटना होता ही रहता है, किंतु जब बटना दल में हो तो ये बटना दल दल तक ले जाता है। किंतु ये किया किसने, क्यों बताओ? देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने। नारायण नारायण, ऐसा सुना था कि एक समय ऐसा आएगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, अर्थात वो समय आ गया। यहाँ रक्षक भक्षक बनना प्रारंभ हो गए, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया बताओ? देवराज और देवी सची का मानना है कि श्रीहरि विष्णु महान है, जबकि देवगुरु का मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महान है। दूसरों को महान सिद्ध करने के फेरे में पड़कर प्राणी स्वयं कितना संकीर्ण छोटा और बौना बन जाता है। नारायण नारायण, इसका कोई उपाय बताएं देव ऋषि। यदि शीघ्र ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो असुरगण इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अवश्य उठाएंगे, क्यों ना उठाएंगे, फिर लाभ उठाना है सभी की प्रवृत्ति है। दानव भी उठाएंगे लाभ, अवश्य उठाएंगे। वैसे किसी को महान बताना ये उचित है, किंतु किसी एक को दूसरे से महान बताना ये अनुचित नहीं, भयंकर भी है। विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, निसंदेह बढ़ गई है। इसे घटाकर समाप्त करने का उपाय बताएं देव ऋषि। कठिन है नारद के लिए कठिन है। हाँ, टक्कर यदि देव और दानव में हो तो नारद उपाय बता सकता है, या दानव और मानव में टक्कर हो तो नारद उपाय बता सकता है, या तो फिर देव और मानव में टक्कर हो तो भी नारद उपाय बता सकता है, किंतु ताल ठोकने वाले स्वयं देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र हो तो नारद नारायण नारायण कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वही भभूतधारी, चर्मधारी, त्रिशूलधारी, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ। आप सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देव ऋषि, क्या ये संभव नहीं है कि आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को ये समझाएं कि वे दोनों मिलकर इस बात का निर्णय कर लें कि दोनों में कौन महान है? नारायण नारायण, मैं उन्हें समझाऊं? उन दोनों में से एक मेरे परमपिता ब्रह्मा जी और मेरे आराध्य श्रीहरि विष्णु हैं, उन्हें समझाऊं? मैं कदापि नहीं। पवनदेव, कलयुग को आने में अभी कुछ समय शेष है। कलयुग में ऐसा होगा जब पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु को कुछ नहीं समझेंगे, स्वयं तो कुछ नहीं समझेंगे किंतु उन्हें समझाएंगे। अभी वो युग नहीं आया, अतः मैं श्री हरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी को समझाने की दृष्टता कदापि नहीं करूंगा। आप ना समझाएं तो क्या वे दोनों स्वयं चर्चा करके समझने का कार्य नहीं कर सकेंगे? अग्निदेव, उन्हें समझने की आवश्यकता है क्या? उन्हें तो इस विवाद का ज्ञान भी नहीं होगा, और यदि ज्ञान हो भी जाए तो वे क्या चर्चा करेंगे, क्या समझाएंगे और क्या समझेंगे? क्या श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी से ये कहेंगे कि वर्षा ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप हीन रहना, और फिर परमपिता ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से ये कहेंगे कि शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप दीन रहेंगे? नारायण नारायण, और फिर श्रीहरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी का प्रस्ताव मान्य करते हुए कहेंगे, हाँ हाँ यही उचित होगा। आप तो विनोद करने लगे देव ऋषि। विनोद ही तो कर रहा हूँ, किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। आप तो अपने ही गुरु और अधिपति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी और ना समझ समझ कर। सत्य तो यह है कि वे दोनों ही महान हैं। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने अकारण ही ये विवाद खड़ा कर दिया है,
फिर भी अंतिम निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही देंगे। आपको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। चले कैलाश भगवान शिव के पास। नंदी महाराज, कहाँ है भगवान शिव शंकर? माता पार्वती भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माता पार्वती तो गणेश और कार्तिकेय के पास गई हैं। और भगवान शिव? वे कहाँ गए हैं ये हम भी नहीं जानते। हम स्वयं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें तो उनसे आवश्यक निवेदन करना था। कहें तो वरुण देव, क्या निवेदन करना था? नहीं नंदी महाराज, यह तो हम भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बता सकते। किंतु स्वर्ग लोक से सदा देवराज इंद्र अथवा देवगुरु बृहस्पति ही निवेदन करने आते हैं। वे आज क्यों नहीं आए? वे अन्यत्र किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते तो ना सही, हमारी भांति मौन रहकर भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा करें। अन्य कोई उपाय नहीं। देवगण कैलाश से प्रस्थान तो कर गए, किंतु उनकी चिंता तथा उद्विग्नता समाप्त नहीं हुई। यद्यपि महानता के विषय को लेकर चिंतित तथा उद्विग्न स्वयं श्री हरि विष्णु एवं ब्रह्मा जी भी थे, किंतु समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था। इसी विषय को लेकर नंदी तथा शिवगण अभी तक व्यग्रता से त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कैलाश पर प्रकट हों और उनका मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। राम देव ऋषि कल्याण हो। नंदी महाराज, अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। देव ऋषि, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नारायण नारायण। नंदी महाराज, सामान्य सत्य ये है कि भगवान भोलेनाथ का आसन रिक्त है, और फिर ऐसी परिस्थिति में आप परमपिता ब्रह्मा जी अथवा श्रीहरि विष्णु की प्रतीक्षा तो करने से रहे, है ना? मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और वैकुंठ लोक का वातावरण किसने दूषित किया है नारद, ये हम भली भांत जानते हैं। इसमें देवगुरु, देवराज और देवगण का ही प्रमुख हाथ है, वे ही दोषी हैं। भगवान, इस विषय में मुझे तनिक भनक अवश्य मिली थी, किंतु इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। नारद, जब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के महानता के विवाद के विषय में ज्ञात हो ही गया था तो तुम्हें तुरंत उनके पास जाकर उन्हें इस विषय से अवगत कराना चाहिए था, किंतु तुमने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली क्योंकि तुम प्रतीक्षा करते रहे ये विवाद तून पकड़े। विषय गंभीर हो जाए तो तुम्हें भी अपनी नारद लीला प्रकट करने का अवसर मिले। अपनी लीला प्रकट करने के प्रलोभन में तुम मौन रहे। नहीं भोलेनाथ, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ भोलेनाथ। लीला दिखाने का विचार अथवा उद्देश्य मेरा कदापि नहीं था। कृपया आप मुझे अपने कोप का भाजन न बनाए भोलेनाथ। हाँ, मैंने देवगण को इतना अवश्य कहा था भोलेनाथ कि इस विवाद को केवल भगवान भोलेनाथ ही सुलझा सकते हैं, और ये सत्य भी है भोलेनाथ। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके पास आया भी था। यहाँ आए थे किंतु अधीर होकर बिना प्रतीक्षा किए चले भी गए। क्या अब उनमें इतना भी धैर्य नहीं रहा कि हमारे लौटने तक हमारी प्रतीक्षा करते? हम इस विवाद का इसी समय अंत कर देंगे। देव गुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, शची और देवगण सभी कैलाश पर तुरंत उपस्थित हों। Thank you.
शंकर। देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, आप हमें बताएं कि आप किसे महान मानते हैं। आप ही को महान मानते हैं परमेश्वर। हाँ भोलेनाथ, आपसे बढ़कर महान अन्य कौन है? आप दोनों जानते हैं कि हम किसकी महानता के विषय में पूछ रहे हैं, फिर भी आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें स्पष्ट उत्तर दें कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन महान है। भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र आपका एक क्रोध देखकर मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। वो अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कृपया आप उन्हें क्षमा कर दें और अपना एक क्रोध शांत करें। भोलेनाथ, शांत करें। हमारे शांत हो जाने से ये विवाद समाप्त नहीं होगा नारद। यदि ये दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है तो हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कैलाश पर आमंत्रित करके इस विवाद को जड़ सहित मिटा देंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पधारे। श्री हरि विष्णु कैलाश पधारे।